ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল, সবকিছুই আপনার সাথের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস, রাহুল প্যালেস, প্যালেস, দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স, রাহুল প্যালেস, এসি রেস্টুরেন্ট, সুপার কমফর্টেবল উইথ দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স, দ্য রাহুল প্যালেস, ওয়ান অ্যান্ড অনলি রাহুল প্যালেস, আ হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম। রাহুল প্যালেস, প্যালেস, চান্ডিল, ঝাড়খণ্ড। হোটেল রাহুল প্যালেস, ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট, NH 32, চান্ডিল বাজার। টাটা স্টিল জুলজিক্যাল পার্ক यानी টাটা জু के नए एंट्री गेट का उद्घाटन टाटा स्टील के MD TV नरेंद्र ने किया। पुराने एंट्री गेट को अब बंद कर दिया जाएगा। मरीन ड्राइव स्थित नए एंट्री गेट को 26 जनवरी से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। नए वर्ष में सैलानियों के लिए टाटा स्टील ने कई सौगातें दी है, जिनमें से एक है टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क। पहले इसकी एंट्री गेट पार्क के भीतर से थी, पर अब बड़ा फेर बदल करते हुए मरीन ड्राइव की ओर से मेन एंट्रेंस कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन शनिवार को टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन ने किया। इस मौके पर टाटा स्टील के VP चाणक्य चौधरी, रुचि नरेंद्रन, जिसको श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे सहित अन्य गणिमान्य लोग मौजूद थे। उद्घाटन के उपरांत TV नरेंद्रन ने बताया कि इस नए एंट्रेंस को भव्य बनाया गया है, जिसे 26 जनवरी से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा सैलानियों के लिए फूड स्टॉल्स, पार्किंग की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ जू घूमने के लिए टोटो वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जो मैं बोलना भूल गया कि पब्लिक एंट्री यहाँ पे 26 जनवरी से शुरू की जा रही है। अच्छा सर, 26 जनवरी से शुरू की जा रही है पब्लिक एंट्री, तो आपके माध्यम से हम सबको बताना भी चाहते हैं। और यहाँ का फुटफॉल बहुत अच्छा और हमको लगता है और बढ़ेगा। 4 लाख के करीब रहता है पर ईयर, तो अगर आप देखें तो 35 से 40 हज़ार लोग पर मंथ के है। जैसे 1 जनवरी को 11 हज़ार का फुटफॉल। Having said that, when I reflect back on my childhood, one of the high points used to always be to visit the zoo. So any city you went to with your parents, you would, as a kid, typically say, is there a zoo, and end up there. Even though I think many of those zoos were not great places to go to, but still there was that excitement as a kid. And I'm sure that if you have a good zoo or good facilities, we'll get more and more children to come and understand, appreciate animals, appreciate biodiversity, as Chanakya said, because we didn't know the word biodiversity when we were kids, but it's so important for the future that I think the earlier we recognize it and appreciate it, the better it is for all of us. You know, animals tend to be maligned a lot, and I said this at the dog show as well, because they can't reply to all the accusations that we put on them. You know, even if I look at, you know, we talked about dogs, but even if you look at animals, I once read an article which said that every year human beings kill about 70 million sharks. 3 वर्षों के अंतराल के बाद शहर में जमशेदपुर कार्निवाल की एक बार फिर शानदार शुरुआत हुई। टाटा स्टील के VP चाणक्य चौधरी ने इस 3 दिवसीय कार्निवाल का शुभारंभ किया। पहले दिन लोगों का हुजूम गोपाल मैदान में उमड़ पड़ा। गोपाल मैदान में 3 वर्षों के अंतराल के बाद शुक्रवार को जमशेदपुर कार्निवाल की समारोह पूर्वक शुरुआत हुई। टाटा स्टील के VP चाणक्य चौधरी ने अन्य गणमान्य लोगों के साथ 3 दिवसीय कार्निवाल का विधिवत शुभारंभ किया, जिसके बाद शहरवासियों का हुजूम इस वार्षिक आयोजन में उमड़ पड़ा। बताते चले कि जमशेदपुर उत्सव धर्मा शहर है, जहां पूरे साल कुछ न कुछ उत्सव समारोह होते रहते हैं। विशेष रूप से नवंबर से मार्च तक शहर में विविध समारोहों की लंबी श्रृंखला चलती है, जिससे शहर का वातावरण उत्सवमय रहता है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण विगत 3 वर्षों से इनमें से अधिकांश समारोह आयोजित नहीं हो पाए। कोरोना काल खत्म होने के बाद इस वर्ष दोबारा शुरू हो गई है। आयोजनों की कड़ी में शुक्रवार को स्थानीय गोपाल मैदान में जमशेदपुर कार्निवाल आरंभ हुआ। इस 3 दिवसीय सालाना जलसे में दर्शक विविध प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेने के साथ ही तरह तरह के मनोरंजक कार्यक्रमों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। टाटा स्टील के VP चाणक्य चौधरी ने जमशेदपुर कार्निवाल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जमशेदपुर में एक के बाद एक आयोजित होने वाले उत्सव इस शहर की विशेषता है। उन्होंने आम नागरिकों से टाटा स्टील एवं टाटा स्टील USIL के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्निवाल में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसका आनंद लेने का आह्वान किया। उन्होंने इस आयोजन को सामाजिक समरसता का उदाहरण बताते हुए कहा कि इसमें शामिल होने वाले सारे लोग जमशेदपुरवासी बनकर हिस्सा लेते हैं।
आपको बता दें कि जमशेदपुर कार्निवाल के तहत जमशेदपुर होटेलियर्स एसोसिएशन ने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए हैं, जिन पर देश भर के व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। म्यूजिकल प्रोग्राम्स हैं और उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ जाने माने लोग आ रहे हैं, बैंड आ रहे हैं जो प्ले करेंगे, सिंग करेंगे, डांस करेंगे, और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग भी सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इंजॉय करेंगे। सारे कार्यक्रम एक साथ करना मतलब कुछ स्ट्रेटजी के तहत की नहीं, इसमें होता क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि बैक टू बैक प्रोग्राम रहते रहें। सो अगर आप देखें तो मैं जैसे कह भी रहा था मंच से कि जैसे क्रिसमस था, अभी हमको बहुत लोगों ने कहा कि आप क्रिसमस वाले दिन ही जैमेट स्ट्रीट कर रहे हैं। हमने कहा देखिए भाई, क्रिसमस अपनी जगह है लेकिन जैमेट स्ट्रीट सुबह सुबह होता है, 6 से 8-9 बजे तक ख़त्म हो जाता है, और क्रिसमस के लिए आपको जाना होगा तो चर्च जाएंगे या अपने दोस्तों के साथ जाएंगे या पिकनिक जाएंगे, ठीक है ना। सो उसका है, जैसे ही फ्लावर शो ख़त्म हुआ, हमारा प्रोग्राम हमेशा ऐसा रहता है कि इसको थोड़ा सा हम उसके इमीडिएटली बात करें। नॉर्मली फ्लावर शो एंड ऑफ दिसंबर में रहता है, आई थिंक इस बार अनाउंस भी किया है कि शायद अगले साल वो 24 और 27 के बीच में होगा, तो मैंने भी अपने कोलीग्स को बोला कि जैसे ही वो खत्म हो तो उसका 3-4 दिन का गैप देके इसको भी शुरू कर दीजिए। अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमशेदपुर पहुंचे, जहां से उन्होंने 2024 के लिए चुनावी शंखनाद किया और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंच पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरुण महतो, बीडी राम, संजय सेठ, सुनील सिंह, समीर उरांव, सुनील सोरेन, पीएन सिंह, निशिकांत दुबे, सुदर्शन भगत, आदित्य साहू, रांची मेयर आशा लकड़ा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी समेत अन्य मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को तबाह कर दिया है, ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, पूरे भारत की गरीबी यहाँ से मिटाई जा सकती थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पर युवाओं को धोखा दिया, शिक्षा के नाम पर नई निहालों को धोखा दिया, खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया। ये चायबासा पूरा क्षेत्र, उसकी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। मेरे हो जनजाति के भाई बहन कान खोल कर सुन ले, सरकार क्या कर रही है। पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। अब ये कहते हैं 1932 के घटियान के आधार पर ही नौकरी देंगे, तो चायबासा वालों को नौकरी मिलेगी भाई? जरा जोर से बोलिए, मिलेगी क्या? शहरवासियों को जागरूक करने के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट झारखंड ने चर्म रोग विशेषज्ञों की एक सूची जारी की है, ताकि लोग फर्जी और झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े। जमशेदपुर में सिर्फ 18 चर्म रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं। इसके अलावा जो भी चिकित्सक अपने आप को चर्म रोग विशेषज्ञ बताते हैं, वे मरीजों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। झारखंड शाखा के अनुसार शहर में करीब 1 दर्जन अवैध चर्म रोग चिकित्सक है। ये चिकित्सक पहले मरीजों को देखते हैं और महंगी महंगी दवा लिखते हैं। इसके बाद जब बीमारी ठीक नहीं होती और मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है तो उसे किसी दूसरे चिकित्सकों के पास भेज दिया जाता है। इसमें झोला छाप व बिना डिग्री वाले डॉक्टर भी शामिल हैं। शहर में वैसे डॉक्टर भी तैनात हैं जिनके पास सिर्फ MBBS की डिग्री है, लेकिन वे अपने आप को चर्म रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ सहित अन्य विशेषज्ञ बताकर अपना बिजनेस चमका रहे हैं। ऐसे चिकित्सकों की सूची भी IDVL झारखंड शाखा करीब करीब तैयार कर चुकी है। इतना ज्यादा खराब हो जा रहा है कि उसे ठीक करना हमारे लिए भी मुश्किल चुनौती हो जा रही है। जो सिंपल हम लोग एक दवा से ठीक करते थे, आज उसके लिए हमें 2-2 महीने 6-6 महीने दवा कराना पड़ रहा है, तभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है। तो ये बस एक जनहित में हम लोगों ने इस अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जितने भी शहर के स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जो कि रजिस्टर्ड IADVL रजिस्टर्ड स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनके उनका नाम हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि आप ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं जमशेदपुर में,
आप इनके से आप इनसे मिले, जो भी स्किन की समस्या है इनसे आप मिल सकते हैं, जो भी जहां भी, चाहे वो MGM के हैं, TMH के हैं, सदर हॉस्पिटल के हैं, या हम लोग जो भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, तो जो भी रजिस्टर्ड स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनका नाम हम लोगों ने लिया। हम लोगों ने उनका नाम तो नहीं लिया है, जो भी झोला छापे उसमें लिस्ट तो बहुत लंबा है, उनका नाम लेने से अच्छा है कि हम लोग जो रजिस्टर्ड स्किन स्पेशलिस्ट है उनका नाम हम लोग कोई ऐसे पेशेंट आप लोग जन स्किन स्पेशलिस्ट है आप सबसे पूछिए, सारे लोग ऐसे नहीं कि एक जगह MGM और TMS तो उससे ग्रसित है ही, प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी हम लोग उससे परेशान है। कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत नौका विहार को एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के अधिकारी प्रयासरत है। कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत प्राचीन छाता पखर नौका विहार दुलमी दयापुर में पर्यटन स्थल को विकसित करने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विस्थापितों ने अपनी समस्याओं को रखा, साथ ही दुलमी दयापुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर आग्रह किया गया। नाबार्ड के DDM ने विस्थापितों को नाबार्ड के तहत योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही इस क्षेत्र का विकास के नाबार्ड के DDM ने विस्थापितों को नाबार्ड के तहत योजनाओं की जानकारी दी साथ ही इस क्षेत्र का विकास किस प्रकार से होगा इसकी भी जानकारी दी गई। वहीं LDM बीरेट सीट ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, यहां के विस्थापितों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर बोटिंग, पैन कल्चर, केज कल्चर आदि के बैंक मैनेजर करेंगे। वहीं चांडिल बांध मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति के अध्यक्ष नारायण गोप ने कहा कि इस क्षेत्र को तीन चीज़ों से विकास किया जा सकता है, पहला बोटिंग, केज कल्चर व पिकनिक स्थल के रूप में। अयोध्या पहाड़ हिल टॉप है, वहाँ वादियों में हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। अयोध्या पहाड़ से दुलमी दयापुर नौका विहार ज़्यादा दूर नहीं है, जिस कारण से पश्चिम बंगाल के पर्यटक यहाँ पहुँचेंगे। इस अवसर पर BOI घोड़ालिंग के शाखा प्रबंधक अंशु लकड़ा, एग्रीकल्चर के मनोरंजन कुमार, मिली वर्मा, वासुदेव आदित्य देव, घनश्याम महतो आदि उपस्थित थे। नाबार्ड जो है, नाबार्ड के द्वारा विभिन्न अनुदान युक्त परियोजनाएं चलाई जाती हैं और नाबार्ड इसे गैर सरकारी संस्था जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग एजेंसीज हैं या सरकारी संस्थाएं भी जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग जो लाभ कमाने के लिए नहीं बनी है उसके द्वारा विभिन्न तरह की JP स्कूल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नौकुंडीय महायज्ञ शनिवार को संपन्न हुआ। यज्ञ के समापन के दिन मंत्री बन्ना गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। मानगो संकोशाई में JP ट्रस्ट स्कूल के 35वें स्थापना दिवस के उपलक्ष पर नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहाँ यज्ञ के दूसरे दिन मुख्य अतिथि स्वरूप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिरकत की। इस नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ को हरिद्वार से पुरोहित द्वारा सफल बनाया गया। दूसरे दिन स्कूल के छोटे छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं आयोजनकर्ता के अनुसार इस महायज्ञ में स्थानीय लोगों के साथ साथ गायत्री परिवार का योगदान काफ़ी सराहनीय रहा। उन्होंने कहा कि JP स्कूल के 35वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। शिक्षा को मैं देख रहा हूं, वो शिक्षा संस्कारों से परिपूर्ण शिक्षा है। वो शिक्षा में जहां संस्कार भी है, जहां संस्कृति भी है, और जहां राष्ट्रवाद है, और जहां धर्म है, तो मैं समझता हूं कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और जयप्रकाश नारायण एक ऐसे बड़े व्यक्तित्व के धनी, जिनके बारे में, जिनको हम सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में, देवता के रूप में मानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? JP स्कूल के 35वें स्थापना दिवस के समारोह के अवसर पर लोग को लिए गायत्री यज्ञ 2 दिवसीय संपन्न हुआ। इसके बाद बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम
और शाम में दीप यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। अभी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी आए और उन्होंने अपने उद्बोधन से इस क्षेत्र में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को आशीर्वाद दिए और उज्जवल भविष्य की कामना इन्होंने की। इस क्षेत्र में हमारे सभी ग्रामवासी, शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय परिवार, समाज सेवी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और ये इस यज्ञ को शांतिपूर्ण ढंग से समापन कराने में सहयोग दिए। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेड क्रॉस के पैटर्न रहे स्वर्गीय के सिंह की स्मृति में नेत्र जांच सह ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया जो 10 जनवरी तक चलेगा। 7 जनवरी से शुरू हुआ यह कैंप आगामी 10 जनवरी तक चलेगा। सैकड़ों की संख्या में इस निःशुल्क कैंप का लाभ मिलेगा। शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ द्वारा यहाँ मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर उनकी आंखों की रोशनी लौटाई जाएगी। इसके उद्घाटन समारोह में धालबू अनुमंडल पदाधिकारी उपस्थित थे। आयोजनकर्ताओं के अनुसार एक समाज सेवी को सच्ची श्रद्धांजलि मानव सेवा के माध्यम से ही प्रदान की जा सकती है और इसी कारण हर वर्ष जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में इस कैंप का आयोजन होता है। तो हम सभी मेनली वॉलंटियर हैं रेड क्रॉस के और जो रेड क्रॉस का एक एम रहा है कि दूसरों की सेवा करना है, ये कैंप भी उसी पर्पस के लिए है। यहाँ पर अभी नेत्र मोतियाबिंद या अन्य कुछ भी दिक्कतें हैं नेत्र से संबंधित, आप सभी लोग अपना चेकअप करवाएं और जैसा आपको कंसल्टेशन दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम्स। नेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट कॉटन सिल्क एक्सपो 2022-23 गणेश पूजा मैदान कदमा जमशेदपुर। यह राष्ट्रीय आर्ट करके है और ये सारे जरूरतों का सामान यहाँ मिलेगा आपको, घर के जितने भी सामान हैं और सारी यूनिक है, नए नए डिजाइन के हैं, अच्छी भी हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारा चीज पसंद आ रहा है, बहुत सारा चीज लेने का सोच रहे हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक बार अवश्य पधारें। जरूरत की सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे। चिली चिकन है, लॉलीपॉप है, वेज मंचूरियन है, पनीर है, चाउमीन है, राइस है, रोल है, बहुत स्वादिष्ट। आप एक दफ़ा आए हमारे यहाँ खा के जाएं। एक बार अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य पधारें गणेश पूजा मैदान कदमा। कॉन्टैक्ट 9690000025। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात, हॉप के दो बेहतरीन वेरिएंट लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो कि इसमें दो वेरिएंट है, हॉप लियो हॉप लाइफ,
और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसे महंगाई हो गई उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया एंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिस्तुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी स्पेशलिस्ट इन केक एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी। स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। All types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी निवाली की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं हो। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।